हेलो दोस्तों, तो चलिए अब हम बात करते हैं एक महत्वपूर्ण एडिटोरियल के बारे में। टीपू पर बदलती राजनीति, इसके संपादक हैं सुभाष गाताड़ी। मैसूर का शेर कहे जाने वाले टीपू सुल्तान फिर एक बार सुर्खियों में है। याद रहे कि वह साल 2006 था जब भाजपा से जुड़ी डी एच शंकरा मूर्ति, जो उन्हें उन दिनों कर्नाटक में कुमार स्वामी के अगुवाई वाली सरकार में उच्च शिक्षा का महकमा संभाले रहे थे, अचानक राष्ट्रीय सुर्खियों में आ गए। वजह उनकी यह विवादास्पद मांग थी कि सूबे में इस्तेमाल हो रहे पाठ्य पुस्तकों में से टीपू सुल्तान, जिन्हें मैसूर का शेर कहा जाता है, को हटा दिया जाए। भाजपा का यह विवादास्पद मांग उन दिनों परवान नहीं चढ़ सकी। इस घटना के बाद एक अरसा गुजर गया, फिर वक्त ने केवल कर्नाटक में नहीं बल्कि केंद्र में भी भाजपा की सत्ता में है, और अब इस अधूरे काम को पूरा करने की नई योजना का खाका खींचा जा रहा है। कर्नाटक में यदि यदि यूरोप्पा सरकार अब 100 दिन पूरे करने जा रही है, और न केवल टीपू जयंती के आयोजन में सरकारी सहभागिता को समाप्त किया गया, और अब इस बात पर विचार हो रहा है कि प्राइमरी स्कूल की किताबों से टीपू को महिमा मंडित करने वाले पाठों को हटा दिया जाए। दिलचस्प बात यह है कि इस बार इस काम को हाथ में लेने के लिए कन्नड़ भाषा के साथ अन्याय की दलील का सहारा नहीं लिया जा रहा है, जिसका इस्तेमाल 2006 में किया गया था, बल्कि यह कहा जा रहा है कि वह एक क्रूर शासक थे जिनका एकमात्र मकसद मंदिरों और चर्चों को लूटना था और गैर मुसलमानों को मारना था या उनका धर्मांतरण करना था। मादी केरी विधानसभा से भाजपा विधायक एमपी अप्पाचू रंजन द्वारा प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन विभाग के मंत्री सुरेश कुमार को भेजी गई दरखास्त पर का फोकस यही है। भाजपा नेताओं द्वारा इन दिनों पेश की जा रही टीपू सुल्तान की नकारात्मक छवि से लोगों को इस बात का भ्रम नहीं हो कि शुरू से ही हिंदू दक्षिणपंथी ताकतों के लिए वह ऐसे ही रही है। एक वक्त था जब टीपू सभी के ओकन प्रेरणा से थे। इतिहास इस बात का गवाह है कि टीपू जो अपने वक्त से काफ़ी आगे की शख्सियत थी, जिसने ब्रिटिश चालों को पहचानते हुए फ्रेंच, तुर्क और अफगानों के साथ रण कौशलात्मक एकता बनाने की कोशिश की थी, ताकि बरतानवी ताकतों की वर्चस्ववादी चालों का मुकाबला किया जा सके, ने अपनी बेहतर योजना और बेहतर तकनीक के सहारे ब्रिटिश सेना को 2 बार पराजित किया था, जो श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में ब्रिटिश सेना के साथ मारे गए थे। 70 के दशक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी एक किताब विकसित की थी, भारत भारती श्रृंखला के तहत, जिसका फोकस मैसूर के शेर अथवा टीपू पर था। जाने माने पत्रकार लेखक चंदन गोड़ा इसी पहलू पर रोशनी डालते हुए लिखते हैं कि ये वक्त था जब टीपू सुल्तान हरेक के आइकॉन थे। हिंदू दक्षिणापंथ द्वारा इन दिनों मुस्लिम कट्टरपंथी साबित करने की कोशिश बताती है कि उनके राजनीतिक सरोकार अब बदल गए हैं। द न्यूज मिनट में प्रकाशित रिपोर्ट बताती है कि कर्नाटक की हर पार्टी की तरफ भाजपा ने भी वर्ष 2015 के पहले टीपू सुल्तान का गौरव गान किया। दरअसल 2012 में कर्नाटक के कन्नड़ और संस्कृति विभाग ने एक किताब प्रकाशित की थी, जिसका शीर्षक था टीपू सुल्तान ए क्रूसेडर फॉर चेंज। इस पुस्तक का लेखन डॉक्टर शेख अली ने किया था। किताब में टीपू की उपलब्धियां ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ उनके संघर्ष का चित्र किया गया था। इस किताब की शुरुआत में तत्कालीन मुख्यमंत्री भाजपा के जगदीश सेतार ने लिखा था कि वर्ष 1782 से 1799 के बीच कर्नाटक का आधुनिक इतिहास टीपू सुल्तान द्वारा निभाई गई अहम भूमिका के लिए जाना जाता है। राष्ट्र राज की उसकी उनकी अवधारणा, राज उद्यमिता की उनकी सोच, उनके उन्नत सैनिक कौशल,
सुधार के लिए उनकी तड़प आदि बातें उन्हें अपने युग के शासकों में एक अनोखी हैसियत प्रदान करती हैं। 3 साल पहले जब कर्नाटक में सिद्धरमैया की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार टीपू जयंती समारोह का आयोजन कर रही थी और भाजपा ने अपेक्ष उठाना शुरू किया, तब जनता दल एस के नेता वसराज होराती ने वीएस येदियुरप्पा और जगदीश सित्तार की कुछ तस्वीरें जारी की, जिसमें वह दोनों अलग अलग मौक़ों पर टीपू जैसा पहनावा पहने दिखे। टीपू को किताबों से रुखसत कर देने की यह मुहिम है, कैसे परवान चढ़ती है आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन यह सोचा जा सकता है कि अगर भाजपा को इसमें कामयाबी मिलती है तो वह चाहे अनचाहे उन्हें बरतानवी उपनिवेशवादी के साथ खड़े अपने आप को देखेंगे, जिसके लिए टीपू एक प्रमुख बाधा बनकर उभरे थे। चलिए, तो ये था टीपू से संबंधित आर्टिकल।